नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इंडिया और श्रीलंका के बीच में पहला T20 मुकाबला खेला जाना है। ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहेगा, क्योंकि जहां इंडिया की टीम पूरी तैयारी के साथ उतर रही है, तो वहीं श्रीलंका के खिलाड़ी भी पूरी तैयारी करके आ चुके हैं, और ऐसे में दोनों खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आज इंडिया और श्रीलंका के बीच में बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है, कौन सी टीम जीतेगी। इसके अलावा दोस्तों, दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे कई भारतीय खिलाड़ियों की इस टीम में वापसी हो रही है। आपको बता दें, रोहित शर्मा कर सकते हैं आज इस खिलाड़ी के साथ पारी की शुरुआत। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर भी डालेंगे नजर। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की सीरीज का पहला T20 24 फरवरी 2022 को लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में खेला जाना है। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 22 T20 मैच खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 14 मैच जीते हैं, जबकि 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 1 मैच बेनतीजा रहा है। यदि घरेलू मैदान की बात करें तो भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 10 मैच खेले हैं। इनमें से 8 में उसे जीत हासिल हुई है, जबकि 2 में हार झेलनी पड़ी है। सूर्य कुमार यादव अंगूठे की चोट की वजह से और दीपक चहर हैमस्ट्रिंग की वजह से T20 सीरीज से पहले ही बाहर हो चुके हैं। KL राहुल भी चोटिल हैं। ऐसे में KL राहुल की उम्मीदें की जा रही थी कि KL राहुल T20 मुकाबला खेल सकते हैं श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन पहले KL राहुल वेस्टइंडीज के खिलाफ बाहर हुए, और जहां फैंस को उम्मीद थी कि KL राहुल शायद श्रीलंका के खिलाफ तो दमदार वापसी करने ही वाले हैं, लेकिन बता दें KL राहुल ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका के खिलाफ भी वापसी नहीं कर पाएंगे, वह भी T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे। विराट कोहली ऋषभ पंत को BCCI ने ब्रेक दे दिया है। अब भारत के पास 16 सदस्यीय टीम है। ऐसे में निश्चित तौर पर ईशान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को अधिक मौके मिलेंगे। टीम इंडिया अपने पिछले T20 मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 गेंदबाजों के साथ उतरा था। उसके पास 5वें गेंदबाज के रूप में वेंकटेश अय्यर का विकल्प था। दीपक चहर के बीच मैच में मैदान से चले जाने के बाद वेंकटेश अय्यर ने 2.1 ओवर की गेंदबाजी की थी। उसमें उन्होंने 23 रन देकर 2 विकेट लिए थे। उनके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट उन्हें श्रीलंका के खिलाफ गेंद से फिर आजमा सकता है। रविंद्र जडेजा की उपलब्धता स्पिन विभाग को मजबूत करने के साथ साथ बल्लेबाजी क्रम में गहराई से जुड़ेगी, यानी कि रविंद्र जडेजा की वापसी से कहीं ना कहीं अब मध्य क्रम में भी भारत के पास बल्लेबाजी आ जाती है। इस कारण श्रेयस अय्यर ने नंबर 3 और रोहित शर्मा ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ भी ये क्रम अपना सकते हैं, या ईशान किशन को नीचे भेजकर खुद ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि भारत की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी को ऋतुराज गायकवाड़ देखने को मिलने वाले हैं, जबकि नंबर 2 पर रोहित शर्मा देखने को मिलेंगे। नंबर 3 पर आप सभी को श्रेयस अय्यर नजर आएंगे। नंबर 4 पर ईशान किशन नजर आने वाले हैं, जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे। नंबर 5 पर संजू सैमसन होंगे। नंबर 6 पर वेंकटेश अय्यर होंगे। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा। नंबर 8 पर हर्षल पाटिल। नंबर 9 पर रवि बिश्नोई। नंबर 10 पर भुवनेश्वर कुमार। और 11वें नंबर पर आपको भारत के महान गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। इसके अलावा बात करें अगर श्रीलंका की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, तो आपको प्रथम निशान का, दानुष्का गुणातिलका, कामिल मिसारा, दिनेश चंडीमल, चरित असलंगा, दासुन सनका जो कि कप्तान होंगे, इसके अलावा चामिका करुणारत्ने, जेफ्री वांडरसे, प्रवीण जयविक्रमा, दुष्मंता चमीरा, लाहिरू कुमारा, ये देखने को मिलने वाली है आपको श्रीलंका की प्लेइंग 11। बात करें अगर किसके जीतने के चांसेस है, तो भारत युवा ब्रिगेड के साथ उतर रही है। ऐसे में भारतीय टीम के जीतने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ी श्रीलंका को बहुत बुरी तरह से धूल चटाएंगे। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।